बाकी फाइल्स जो हैं उस पर मैं कल फोन कर दूंगा, थोड़ी देर मीटिंग में पहुंचना। थैंक यू। तुम कहीं जा रहे हो? जी पापा, वो एक जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। अब बोलें, क्या बात है? खैरियत? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कही। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी अमान की शादी से खुश नहीं है। नहीं पापा, वो वैसे ही। देखो, छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि इस शादी के बाद हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा हो जाए कि वो दोनों बहनें तो आपस में लड़े ही, तुम दोनों भाइयों को भी लड़वा दें। तुम मेरी बात समझ रहे हो? देखो, अगर रोशनी ने तुमसे ऐसा कुछ कहा है तो तुम मुझे बताओ। जी पापा, उसको लगता है कि घर में कोई उसे खुश नहीं है, सब उसके दुश्मन है। उसने मुझसे ये भी कहा है कि हम अमान की शादी उसकी छोटी बहन से इसलिए करना चाहते हैं ताकि उसे नीचा दिखा सके। वैसे उसने ये बात तुम्हारी माँ से भी की है। मैं तो हैरान हूं कि हम लोग लोगों को पहचानने में कितनी बड़ी गलती कर लेते हैं। मैंने तो ये सोचा था कि रोशनी जब बहू बनकर हमारे घर आएगी तो वो हर मामला समझदारी से चलाएगी, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी मुहज्जब लड़की है। बट आई एम सॉरी टू से कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। और अब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात मजीद बिगड़े, इसलिए तुमसे ये बात डिस्कस कर रहा हूं, वरना मैं कभी ना कहता। पापा आप फिक्र ना करें, मैं रोशनी को समझाऊंगा, वैसे कुछ नहीं करेंगी। शाबाश बेटा, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। मैं खुद भी चाहता हूं कि तुम उससे बात करो, उसे समझाओ कि घर बनाने से बनते हैं और रिश्तों को निभाना ही असल कामयाबी है। ठीक है। मेरी बात हुई थी, 2 दिन के वक्फों से उन्होंने रस्में रखी हैं, कल मायूम, फिर 1 मेहंदी और 2 दिन बाद रुखसती। पैसे भी निकाह तो हो ही चुका है ना, तो जरूरत क्या है इन रस्मों की? सीधा साधा रुखसत करें और ले आए उसे। दिमाग खराब हो गया? रोशनी को जलता जुलसता नहीं देखना चाहते? कितना मजा आएगा जब दिल पर पत्थर रख के बेचारी सारी रस्में करेगी। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है। वो तो सबूत ढूंढ रही है मेरे खिलाफ ताकि अपनी बहन को मेरे लिए वरगला सके। किसने कहा तुमसे? और कैसे सबूत इकट्ठा कर सकती है? ठेंगा मिलेगा उसे। मैं भी आप ही का बेटा हूं मम्मी जान, कोई भी काम करके पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। उसको अपना ये शौक भी पूरा कर देता। चालाक लड़की है वो, कोई ना कोई कहानी कर सकती है। और किरण है तो उसकी बहन ना, उसी की सुनेगी। वो उसकी बहन थी अम्मी जान, अब वो मेरी बीवी है। कहा था ना कि वो सुनती मेरे कानों से और बोलती मेरी जबान से। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत होशियार रहना पड़ेगा, ऐसा ना कि कोई ऐसी बात किरण के दिल में डाल दे कि वो हमारी तरफ से बदगुमान हो जाए। इसका भी इंतजाम है मेरे पास, उसको अपना ये शौक भी पूरा कर ले। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत ढूंढ भी लिया ना इसने,
तो उल्टा खुद सबकी नजरों में बेतबारी हो जाएगी। वो क्या कहते हैं ना अम्मी जान, मुश्किलों की आदत सी हो गई है मुझे। खीर सीधी उंगली से निकालने का दिल ही नहीं करता। ये उंगली जो है ना वो तो बहुत टेढ़ी हो जाती है। मुमताज बेगम का फोन आया था, वो कल से रस्मों का कह रही है, इंतजाम करवा दीजिए आप। उनसे कह दो जो रस्में करनी है वो अपने घर में करें, हम कोई रस्म नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं जलील साहब आप, क्या आप लोगों को हंसवाएंगे खुद पर? अब ऐसी बातें मत किया करो असरा, लोग मुंह पर तो इज्जत करते होंगे लेकिन पीठ पीछे ये कहते बहुत नाज था जलील साहब को अपनी औलाद, बहुत नाज था। आप क्या चाहते हैं, जो लोग पीठ पीछे बात करते हैं वो मुंह पे भी बोलने लगे? दुख अपनी जगह है लेकिन दुनिया दिखावे को ही सही, आप राहिल से कहकर इंतजाम करवा दीजिए। पता नहीं अल्लाह मुझे कब मौत देगा, खुदर वो पगली रोशनी अब तक किसी कोशिश में है कि किसी तरह किरण की आंखें खुल जाए, ये शादी ना उसे क्या कि अगर अब ये शादी ना तो हमारे लिए और भी गलत होगा। आज मैंने उसको बहुत सुना दिया, मेरा दिल बहुत भरा हुआ था, सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया, ये भी तो नहीं चाहती थी ना कि उसको कोई आसरा मिले, यही चाहती थी कि उसको बस यही लगे कि हम अपनी खुशी से अपने घर को आग लगा रहे। मेरी रोशनी कितनी मासूम है, कहती थी जिसके आप जैसे बाबा हो उसकी जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता, उसे क्या मालूम कि दुख पूछकर थोड़ी आते हैं, ऐसा वक्त भी आ जाए कि हम सब एक दूसरे से मुंह छुपाते। मैं राहिल से कहती हूं कि रस्मों का इंतजाम करें, एक दो दिन की छुट्टी ले ले ऑफिस से, आखिर उसी को तो सब इंतजाम करना है। मुझे ना मेरी पहली सैलरी मिली और मैं आपके लिए गिफ्ट लाई। वाह वाह वाह, माशाल्लाह भाई, गिफ्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा है ना? बिल्कुल तुम्हारी। हम्म।
आपसे वादा करती हूँ बाबा, मैं आपका सर अभी झुकने नहीं दूंगी। और जहाँ आप और अम्मी चाहते हैं ना, किरण की शादी वहीं होगी। ज़बान पर आ गई ना रोशनी, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं वहां आऊं, क्योंकि तुम कमजोर पड़ जाओगी, क्योंकि तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे बराबर में खड़ी हूं, इसलिए क्योंकि तुमने हमेशा से अपने आप को हर हाल में बेहतर देखने की कोशिश की, और यही वजह है कि तुम्हें अमान पसंद नहीं है। जो भी होना था हो गया, चलने दो जैसे चल रहा है, अब शादी रुकवाने की जरूरत नहीं। बहुत पुर एतमाद हो तुम, डट जाती हो, लेकिन यही तुम्हारी बुराई भी है, क्योंकि हर जगह डट जाना सही नहीं होता, मुंह की खानी पड़ती है। हेलो, आप रोशनी बात कर रही हैं? अमान की भाभी? जी हाँ, पर आप कौन? आपको अमान से बात करनी है? नहीं, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। पर मैं तो आपको नहीं जानती। आप प्लीज इनकार मत करना, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे पता चला कि अमान शादी कर रहा है, मुझे इस सिलसिले में आपसे बात करनी है। कौन हो और तुम कहना क्या चाहती हो? इस तरह नहीं, मुझे आप कल शाम में मिलें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। आप मिलेंगी ना? हाँ ठीक है, लेकिन तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने अगर आपको सब कुछ अभी बता दिया तो आप मुझसे नहीं मिलेंगी, आप शायद मेरी बात का यकीन भी नहीं करेंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कल आपसे मिलकर आपको सब कुछ बता दूं। मैं आपको पूरे सबूत दिखाकर आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात और कैसे सबूत? अमान ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादी कैसे कर सकता है? उसकी तो पहले से शादी हुई है। क्या, कौन हो तुम लड़की? और तुम ये मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसने अमान के बहकावे में आके उससे शादी कर ली, मैं उसकी बीवी हूँ। इस तरह मुंह सुजाकर बैठने से अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रही हो? तुमने जो कुछ भी किया है हम उसे कभी नहीं भुला सकेंगे। किरण, अम्मी आप तो इस तरह मत बोलें। तो किस तरह बोलूं? किस तरह बोलूं? आज तुम्हें माँ का बोलना बुरा लग रहा है, कल सारा जमाना बोलेगा। मत भूलो किरण, इस तरह की हरकतें करने वाली लड़कियों की इज्जत ससुराल में भी नहीं होती है। प्लीज अम्मी, मैं सिर्फ तुम्हें बताने आई थी, कल से तुम्हारी रस्में शुरू हो रही हैं। कल तुम्हारा माइयों है, तैयार रहना टाइम पर। अम्मी हम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हैं? क्या मुझसे? तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि हम तुम्हें इस घर से इज्जत से रुखसत कर रहे हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना जिंदगी में कभी भी। अम्मी, देखिए आप मुझसे कब मिल सकती हैं? प्लीज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फौरन तो नहीं मिल सकती, कहा ना मैं आपसे कल शाम में मिलूंगी, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं आपसे मिलूं। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। आप किसी तरह भी करके शादी को रुकवा दें,
मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगी। एहसान तो तुम कर रही हो मुझ पर। देखो मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मगर इस वक्त तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई। अमान की ये शादी रुकवाना मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हारे लिए। तो फिर आप मुझे आप मुझे कल शाम में मिल लें, हम दोनों मिलके शादी को नाकाम बना देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।